चिन्मय अनंत, इनाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी काली करतूतों के वजह से पूरे देश में मशहूर हो चुके चिन्मय अनंत को अब बच्चा बच्चा जानने लगा है। वैसे कोई पहले बाबा नहीं है जिस पर रेप जैसे घिनौने आरोप लगे हों। इससे पहले दाती महाराज, आसाराम और राम रहीम भी रेप के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन चिन्मयानंद इनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं। चिन्मयानंद केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके हैं। सोचिए, जिसने कभी जनता की रक्षा की कसम खाई हो वो कैसे भक्षक बन गया। आज हम आपको चिन्मयानंद के रक्षक से भक्षक बनने की कहानी बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर के आंदोलन से लेकर राजनीतिक रसूख कायम करने वाले चिन्मयानंद धीरे धीरे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। चिन्मयानंद ने अपनी राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़कर की थी। आंदोलन को तमाम बड़े नेताओं का समर्थन मिला और इसके फौरन बाद ये जनसंघ के नेताओं के पसंदीदा बन गए। बात 1980 की है, राम मंदिर आंदोलन ने धार पकड़ ली थी। इस समय तक चिन्मयानंद ने भी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बीच अपनी गहरी पैठ जमा ली थी। इसलिए जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें चिन्मयानंद सबसे आगे रहे और माना यही जाता है कि इसी के फौरन बाद से राजनीति में चिन्मयानंद के अच्छे दिन आ गए। बात 1985 की है, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। इस समय तक स्वामी चिन्मयानंद एक मजबूत हिंदुवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। जब चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ के संपर्क में आए और अवैधनाथ के साथ मिलकर राम मंदिर मुक्ति यज्ञ की समिति की स्थापना की, कहा यही जाता है कि वो समय था जब स्वामी चिन्मयानंद और योगी आदित्यनाथ के संबंधों को मजबूत आधार मिला, जो बाद में खुद योगी आदित्यनाथ के लिए संजीवनी साबित हुआ। 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो स्वामी चिन्मयानंद को पहली बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से टिकट दिया गया। बदायूं से कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद राम मंदिर आंदोलन के दम पर उन्होंने चुनाव जीता और सांसद बन गए। इसके बाद चिन्मयानंद 1998 में मछली शहर और फिर 1999 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद चुने गए। 2003 चिन्मयानंद के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी साधु को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया गया हो। 2004 तक चिन्मयानंद सीधे अडवाणी को रिपोर्ट करते थे। योगी आदित्यनाथ और स्वामी चिन्मयानंद का संबंध किसी से छुपा नहीं है। ये रिश्ता कितना मजबूत है इसे हम पहले भी गुजरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी समझ सकते हैं। 2017 में सूबे की राजनीति ने समाजवादी पार्टी को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा को उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार मिला था। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर वो कौन होगा जिसके हाथ में सूबे की कमान होगी। ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद ही थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित कर एक अच्छा गुरु भाई होने का प्रमाण दिया था। लेकिन यही चिन्मयानंद अपनी काली करतूतों के वजह से सीएम योगी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। चिन्मयानंद की बर्बादी की कहानी 24 अगस्त से शुरू होती है। स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली LLM की एक छात्रा ने वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, छात्रा ने अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया था। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। इसी मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता ने अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का भी मुकदमा दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SIT ने मामले की जाँच शुरू की। 16 सितंबर को पीड़िता की ओर से दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धारा 164 में उसका बयान दर्ज कराया गया। SIT ने मोबाइल, पेन ड्राइव और गवाहों के मोबाइल सीज कर उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा। छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर करीब 9 माह तक यौन शोषण करने और दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने, नहाने का वीडियो बनाने और उसे गायब कर सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 20 सितंबर को SIT ने चिन्मयानंद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट ने 14 दिन के जेल के लिए भेज दिया है। 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चिन्मयानंद की पेशी है। यौन शोषण के चलते न्यायिक हिरासत में आ चुके स्वामी चिन्मयानंद का आगे का भविष्य कितना सरल होगा इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन जो वर्तमान है वो खुद बखुद इस बात को साफ कर दे रहा है। फिलहाल स्वामी चिन्मयानंद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गले की हड्डी हो गए हैं, जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। पूरा मामला देखकर ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि उन्नाव कांड के बाद ये दूसरी बार हुआ है जब किसी करीबी ने
योगी आदित्यनाथ की खूब किरकिरी कराई है।